हाँ जी सर, सर मैं जानना चाह रहा था कि हाँ जी जब हमने ज्वाइन किया था तो स्काईवे था 2018 में, हाँ ठीक है, जी हाँ और जी स्काईवे हमारे कंपनी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो सर अब उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? और सर हाँ, ओके आगे और क्वेश्चन सर। दूसरा सर ये है कि जैसे एनडीए जो हमारे आ रही है, तो जो हम समझ रहे हैं कि जैसे मान लिया किसी पास 1000 CRU है, तो उसकी जो प्राइस वैल्यू है वो क्या ली जाएगी, और मतलब कितने उसमें कितने परसेंट का लोन हो सकता है? ओके और क्वेश्चन सर आपका नंबर जी सर, यही दो सर है। ओके मैं आपका वन में आंसर। नंबर वन सर स्काई वी का सर जिक्र हमारा कंपनी फर्स्ट बेबी प्रोजेक्ट था हमारा कंपनी है। जब शुरुआत की थी हमने इस कंपनी से जी जुड़कर एंड्राय सर के साथ जुड़कर तब वो हमारा फर्स्ट बेबी प्रोजेक्ट था। जब वो बेबी प्रोजेक्ट से हमारा था उनके साथ 5 साल का हमारा एग्रीमेंट हुआ था सर। 5 साल का जो एग्रीमेंट था हमारा 2020 के अंदर फरवरी को हमारा उनके साथ एग्रीमेंट खत्म हो चुका था। अब हमने दोबारा उनसे एग्रीमेंट नहीं किया क्योंकि हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमने जी जो प्रोडक्ट्स जो हमारा 5 साल एग्रीमेंट था वो खत्म हो चुका था। तो उसके बाद अब हम प्रोड क्यों नहीं कर रहे क्योंकि हमारे ऑलरेडी और प्रोडक्ट्स ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ और भी चीजें हमारी जुड़ रही हैं। जी अब वो जो कह रहे हैं उनका जो काम चल रहा है दुबई में काम शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं दुबई के अंदर काम चल रहा है उनका। तो लेकिन उनको प्रमोट की दूसरी कंपनी भी है। हमारा 5 साल एग्रीमेंट दैट्स इट हमने दोबारा नहीं किया क्योंकि कुछ चीजें होती हैं हम कंपनी देना कंपनी का आने फायदा किससे होगा जिससे डेवलपमेंट किसी होगी कंपनी को। तो कंपनी दोबारा री एग्रीमेंट एंड्राइज सर नहीं किया। लेकिन आपको मैं इतना कह रहा हूँ आने वाले समय में मतलब जो जो लग रहा है कि हम वंस अगेन हमारा इनसे एग्रीमेंट दोबारा होगा फ्यूचर में। अभी प्लान कर रही है कंपनी लेकिन अभी फाइनल कुछ नहीं कहूंगा आपको मैं। आने समय में कुछ ना कुछ होगा दोबारा हमारी कंपनी साथ इनका एग्रीमेंट दोबारा मतलब सर जो आइए। बेनिफिट्स हैं हमें उसके जो आने आने वाले टाइम पे वो मिलेंगे सब। तो वो सर जितना भी आप सबने मतलब हमारी कंपनी से जुड़ के जो भी आप सबने इसके स्काई वे के जो भी चीज ली है हमारे साथ वो सब आपके सेफ है सर। नंबर एक चीज बता रहा हूँ। दूसरी जो जी नई चीज आएंगी उसके अकॉर्डिंग आप बात की जाएगी सर। जो नया प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें क्या होगा वो ऑन द स्पॉट बता दिया जाएगा। अब इसके लिए मैं कुछ कह सकता नहीं आपको। दूसरा जी थैंक यू सर। क्वेश्चन आपने पूछा मुझे एनडीए का। दूसरा जी क्वेश्चन एनडीए सर एनडीए एक तरह ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है। अभी ये शुरुआत होगी फर्स्ट स्टार्टिंग से होगी यूरोप के अंदर। अभी इंडिया में इस ब्लॉकचेन के बेस पे अभी काम नहीं चल रहा आपको पता है। जिसे इंडिया में एक डिजिटल डिजिटल एसेट करेंसी होगी क्रिप्टो एसेट हमारे इंडिया में लीगल बेस पे काम शुरू होगा। उसके बाद प्लस इसका जो बेस होगा उसका बेस होगा ब्लॉकचेन बेस होगा। जब इसका वर्ल्ड सीआर जो लॉन्च होगा नस्डाक के ऊपर उसके बाद इसके आपको बेनिफिट मिलेंगे। उससे पहले आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये आने वाले समय में फ्यूचर प्लान है कंपनी बेस का जिसकी शुरुआत यूरोप में इटली में हो चुकी है सर। सर मैं तो समझता हूँ ये इतना बड़ा बजट है एनडी कि किसी को कोई चीज सेल करने मतलब ही नहीं होना चाहिए। जब हमें हमारे चीज का लोन मिल जा रहा अच्छा खासा, तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है सेल करने की, और नहीं सेल करेंगे अपने प्राइस बढ़ेगा उसकी। तो वो तो नॉर्मल चीज आपका बेसिस तो हमारे ब्लॉकचेन से आपको बल्क से रुपए बेस मिलेगा। आपके जरूरी नहीं है आपके आपने लोन बल्क से रुपए इंडिया में लेना है। आप इसके माध्यम से दूसरे देशों में ले सकते हैं जिस देश में आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस शो कर सकते हैं। जैसे आज आप इंडिया में कल को आपने गए अमेरिका में कल को आप गए यूरोप में आप वहां जाकर ले सकते हैं। जैसे मैं हूँ मैं दो जगह में लोन ले सकता हूँ एक मैं इंडिया में ले सकता हूँ एक मैं यूरोप में ले सकता हूँ क्योंकि मेरे एड्रेस और प्रूफ दोनों तरफ है मेरे। एक यूरोप इटली में भी है और एक यहाँ पर भी है। और तीसरा आप स्विट्जरलैंड में अपने आपको रजिस्टर कर रहा हूँ मैं नए सिटीजनशिप के लिए। तो इसका ये फायदा है मतलब ऑनलाइन का डिजिटल का ये फायदा सर। जहां जी मर्जी सर, बैठे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं। बस आपका पासपोर्ट होना चाहिए केवाईसी होना चाहिए और डॉक्यूमेंट जी सही जी होना चाहिए दैट्स इट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर।